to conduct स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल ग्राउंड है, वहां पे कुछ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होगा और वहां पे लाइन्स ड्रॉ किए गए, हैं एक एक मीटर के डिस्टेंस पे. ठीक है, तो ये जो हमको वर्टिकल लाइन्स दिख रही है इनके बीच में एक एक मीटर का गैप है, ये पहली चीज हो गई. तो ये गैप कितना होगा, दिस इज वन मीटर. ये गैप कितना होगा, दिस इज वन मीटर. ये कितना होगा, वन मीटर. सो ऑल दिस गैप आर ऑफ वन मीटर ईच. ओके, देन फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग. तो गाइस कहीं ना कहीं ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला चीज होता था ना, हाँ, वही कुछ यहाँ पे भी लग रहा है. क्योंकि यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो वन टू, अगर इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेगा. और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से चल रहा है. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, मतलब ये प्रॉपरली एक तरीके से कार्टेशियन प्लेन जैसा आप फीलिंग ले सकते हो. नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन. तो फर्स्ट लाइन हमारा ये 1 वाला हो गया, सेकेंड लाइन ये 2 वाला हो गया. तो हु इज दिस, तो ये कितना है, 1/4 द डिस्टेंस एडी. अब गाइस एडी कितना है, क्वेश्चन पढ़ो, एडी कितना है. तो दिस एडी विल बी इक्वल टू 100. अगर आपने एडी के अलोंग एक एक मीटर के गैप पे गमले रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं, तो वो लेंथ कितना हो गया उस हिसाब से, वो लेंथ हो गया हमारा इजिली कितना, 100 मीटर्स का. राइट, हमारा वो गैप हो गया इजिली 100 मीटर्स का. आर यू गेटिंग दिस? तो उस हिसाब से यहां हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो एक्स कोऑर्डिनेट था 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4 of 100. 1/4 of 100 कितना हो गया, ये हो जाएगा 25. क्या ये चीज पता चली है जिन जिन लोगों को डाउट था? आर यू एबल टू फिगर दिस आउट, टेल मी यस और नो. सुमित, दिवेश, करिश्मा, कंगना, अंकित, ये पता चला है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? नहीं पता चला दिवेश. ओके, देखिए दिवेश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो उसने मूवमेंट कहां से की है, सेकेंड लाइन से मूवमेंट की है. अगर दिवेश हम सिंपल सी बात यहां पे करें, अगर हम नंबर लाइन उठाए, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट, अगर यहां पे कोई पॉइंट है 2.5, कोई पॉइंट है 2.5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करते हो और यहां ड्रॉ करते हो, ठीक है, और अगर मैं लेट्स से इसका नामकरण कर दूं ओ ए बी सी, तो हमको पता चल जाता है ओ ए का लेंथ कितना होगा, 2 हो जाएगा. ओ ए का लेंथ 2 हो जाएगा, और ओ सी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ओ सी का लेंथ हो जाएगा 5. यही पता चलता है ना हम लोगों को, हमको यही पता चलता है ये कोऑर्डिनेट से. राइट, अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड लाइन से निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1/4 ऑफ एडी ट्रेवल किया है. एडी पूरा कितना था, 100 मीटर का था. 100 मीटर में 1/4 ट्रेवल करने का मतलब कितना, 25. तो अगर आप यहाँ पे उसी तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल आता, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट निकल कर आता 2.25? बिकॉज एक्स एक्सिस पे अगर आप लाइन देखोगे तो सेकेंड लाइन पे है, और वही परपेंडिकुलर अगर आप यहाँ पे वाई पे ड्रॉ करते हो, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से वाई पे ड्रॉ करते हो, तो क्वेश्चन के मुताबिक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एडी के अलोंग, 25. 1/4 ऑफ एडी किया है. ठीक है सुमित, अभी पता चला क्या? बिकॉज अगर आप देखोगे लेंथ वाइज अगर देखोगे तो इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम होगा. जैसे यहां पे देखो, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होता है. ठीक है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होता है, तो यहां से ये निकल आया. दिवेश, पता चल गया ये 2.25 कैसे होगा? ठीक है, अब अगला पार्ट पे आते हैं. सो
अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट में कह रहा है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, आठवें लाइन पे. ठीक है, आठवें लाइन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 1/5. कितना, किसका 1/5? एडी का. एडी का लेंथ अगर 100 है, एडी का लेंथ अगर 100 है तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ 100 हो जाएगा 20. तो इसी हिसाब से अगर आप इसका कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो ये आएगा 8, 20. ये कोऑर्डिनेट्स आएगा 8, 20. ठीक है, एकदम सेम लाइन पे. यू डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, एकदम सेम लाइन पे बन जाएगा 8, 20. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो हमारे पास कहीं ना कहीं P का कोऑर्डिनेट्स है 2.25 और हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स है कितना, तो Q के कोऑर्डिनेट्स है 8.20. तो यहां से फाइनली PQ लेंथ निकलेगा, PQ लेंथ कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा बन गया √61. फिर आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ फ्लैग, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स. तो इस लाइन का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जहां पे P फ्लैग था और जहां पे Q फ्लैग था, जब आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो तो स्ट्रेट लाइन के ठीक बीच में रागिनी रश्मि वहां पे फ्लैग पोस्ट करना चाहती है. ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि फिर रागिनी को एग्जैक्टली कहां पे पोस्ट करना होगा. तो कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है. राइट, तो लेट मी नाउ टेक दिस हियर. सो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3. तो गाइस वो हमें पता चल गया कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2.25 है. Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो दैट इज माय 8.20. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम P और Q को ज्वाइन करते, तो मान लीजिए कि P और Q ज्वाइन करके कुछ ऐसा हो रहा था. ठीक है, ये मेरा P था 2.25 और ये मेरा Q था 8.20. क्वेश्चन के मुताबिक एग्जैक्टली बीच में रश्मि यहाँ पे प्लॉट करना चाहती थी, तो इस पॉइंट को R मान लो, इस पॉइंट को R मान लो. अब हमको इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो मान लीजिए दिस इज x, y, दिस इज x, y, बट एक चीज हमें पता है कि दिस इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट. अब अगर ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, टेल मी किस रेशियो में डिवाइड करेगा. कोई भी चीज अगर मिड पॉइंट में होती है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्लास. रागिनी करेक्ट, सुमित करेक्ट, निहारिका गलत, इट विल बी 1:1 ना, 1:1. मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ यार, अगर सिंपल तरीके से बात करें, मान लीजिए कि ये मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, मान लीजिए कि ए बी जो है 6 सेंटीमीटर का लाइन था और मैंने बीच में पॉइंट लगा दिया सी. अब मैंने बोल दिया कि पॉइंट सी मेरा मिड पॉइंट है, तो फिर ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और बी सी का लेंथ भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे ए सी अपॉन सी बी, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा. कोई भी चीज अगर मिड पॉइंट पे लाई कर रही है तो बराबर दूरी पे होगा, तो वहां पे रेशियो कितना आ जाएगा, उस हिसाब से रेशियो विल कम आउट टू बी 1:1. ठीक है, तो यहां से RS अग्रवाल में ऑलरेडी 1:1 वाले केसेस है वहां पे मिड पॉइंट वाला. ठीक है, 1:1 बन गया. अब हमको क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करो. तो अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले लगा सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर सेक्शन फॉर्मूला के वो जो फॉर्मेट है उसमें फिट बैठता है. अब आप क्या करोगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इफ आई टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, R इज इक्वल टू ब्रैकेट. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, x1 + x2/2, y1 + y2/2. आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस. तो 2 + 8/2, 25 + 20/2. ये इससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x, y. ठीक है, तो नाउ इफ यू कंपेयर, x का वैल्यू निकल कर आएगा 5 और y का वैल्यू निकल कर आएगा 45/2, दैट इज 22.5.
तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझाया हूँ, उसके बाद हमने लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। आरडी अग्रवाल मैंने अच्छे से पढ़ने दिया था, तो वहां पे पहले ही पेज में आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल गया होगा। निहारिका फिर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, बिकॉज मिड पॉइंट बोल दिया क्वेश्चन ने, तो 1:1 ही होगा। लेट मी गो टेक यू टू आरएस अग्रवाल वंस। व्हाट वाज द पेज नंबर? आई थिंक 504। नो, ओके। हाँ ये रहा। अब ये बॉक्स में देख सकते हो कि यहां पे मिड पॉइंट वाला केस ऑलरेडी यहां पे बताया हुआ है। मिड पॉइंट के केस में क्या होगा? M divides AB in the ratio 1:1. तो midpoint के केस में the ratio is always 1:1 and that is why midpoint formula बड़ा आसानी से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे box में summary बना के दिया हुआ है कि अगर midpoint नहीं है, कोई normal formula है, कोई normal point है, और अगर वहाँ पे P आपको AB को divide कर रहा है m:n ratio में, तो section formula के हिसाब से ऐसे निकालोगे। और अगर वो midpoint है, तो उस केस में दोनों के x को add करके divided by 2, comma दोनों के y को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। और कोई दिक्कत? निहारिका थोड़ा सा अनम्यूट करना। I want to know exactly आपने क्या approach किया, because this is a very straightforward easy question and मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ present है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ओके, सो दिस क्वेश्चन का अगर आप हेल्प लेते तो ही आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। यस, अनम्यूट कीजिए, बताइए तो आपने क्या अप्रोच लगाया है। यस सर। सर इसमें क्वेश्चन, हाँ सर, इसमें पी का भी वैल्यू दिया हुआ है, बट जो 5 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसमें पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हाँ तो लेकिन आपको बता तो दिया है कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपने पॉइंट को क्या अज्यूम किया है? पॉइंट को कुछ अज्यूम किया होगा ना। एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट का क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 7.1 में भी मिला हुआ है। व्हाट डज इट मीन? यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। लेट मी शो यू कि एक्सरसाइज 1 पे कहां है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे फिर हमने अज्यूम किया था उस पॉइंट को क्या करना है। सो आई विल नॉट डिस्कस योर डाउट बिकॉज यू डिड नॉट इवन वर्क हार्ड। एनीवन एल्स? और किसी का डाउट है? दिव्यांशु क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है देख रहा हूँ।
एपी का वैल्यू है वो एबी के वैल्यू इस रेशियो की कन्वर्ट करता है, ये मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता दूंगा। चलो दिव्यांशु एक बार म्यूट करना, लेट मी नो एग्जैक्टली व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा उससे पहले एक मिनट, दिव्यांशु कुमार अनम्यूट करना, तो दिव्यांशु कुमार अनम्यूट करना। चलो आई एम रिमूविंग यू दिव्यांशु कुमार, ओके। हाँ दिव्यांशु, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अप्रोच था आपका? सर ये बोला ना सर, इसमें तो सर पहले ये तो सर हम एक्सेस हमको कुछ नहीं, सर ये बाउंस हो गया सर। नहीं तब भी मतलब बाउंस इन द सेंस आपने एटलीस्ट कुछ तो ट्राई, कितना देर ट्राई किया इस क्वेश्चन को? सर दो तीन मिनट सर इसका तो पहले सर लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे थे सर, निकला ही नहीं। आपने दो तीन मिनट ट्राई किया है, मैंने आई थिंक पहले भी बोला है कि 10 से 15 मिनट तो आपको ट्राई करना चाहिए, जब तक अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो ठीक है, दो तीन मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है जब वो स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, ठीक है, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट के लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। और इवन स्मार्ट स्टूडेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, और मेरे पास ऐसा कोई स्मार्ट स्टूडेंट नहीं है जो कहता है कि सर दो मिनट में मेरे से क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो। बाउंस वगैरह वाली चीज़ बात समझो, अगर आप मैथ्स में अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो इकलौता ऑप्शन है कि यू विल हैव टू फाइट हार्ड। आप सोचो तो बोर्ड्स में कोई एक क्वेश्चन आ गया चार नंबर का, ठीक है, क्या आप उसको दो मिनट में अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, आप वहाँ पे लगाओगे 8-10 मिनट क्योंकि चार नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दो मिनट में क्यों छोड़ दिए, यही सोच के चलो सर बताएंगे, बट यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं डेवलप होंगे। यहाँ तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, बट अगर आपने इस क्वेश्चन को 10 मिनट के लिए अटेम्प्ट किया होता तब जाकर ना सीखते आप कि मैम मैंने 10 मिनट में ये चीजें सोची थी, वो अभी आप यहाँ पे बताते मेरे को कि सर मैंने ऐसे किया था तो ये गलत हो गया, वैसे किया था तो वो गलत, मैं तब समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप गलत हुए थे। अभी होगा, अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ सर, अब हम एक बार फिर से ट्राई करके आपको लास्ट में इसका आंसर बताएं। हाँ ठीक है, बस आंसर की जरूरत नहीं है, अप्रोच क्या सोचो वो करो। अब जैसे कि वर्टिसेस दिया हुआ है तो मैं सिंपल बोलूं कि एक ए बी सी डी रोम्बस मानो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिख रख लो, ठीक है, और इसके बाद आप सोचो कि डायगनल, तो जब आप ए बी सी डी आपने ड्रॉ कर दिया, लेट से मैं अभी रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो जब आपने ए बी सी डी ड्रॉ किया है तो इसका डायगनल कौन सा होगा बताओ? ए सी होगा, डायगनल ए सी होगा सर, और बी डी भी होगा। तो अब ए सी का लेंथ और बी डी का लेंथ नहीं निकलेगा, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, डी भी पता है, तो ए सी का लेंथ हम कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बी डी का लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो ए सी भी निकल गया, बी डी भी निकल गया, तो आपको नहीं लग रहा कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना आसानी से कैलकुलेट होता है यहाँ पे? सोचो, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बस ये डायग्राम बनाते, वैल्यू लिखते यहाँ पे, और क्वेश्चन में हिंट दे दिया था कि एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो आप एसी का लेंथ एंड बीडी का लेंथ। ओके, और किसी का कोई डाउट है? चलो मैं डिस्कस करूंगा अभी क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक और क्वेश्चन था, ऊपर है शायद क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तो आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तरन एक बार म्यूट करके मेरे को बताओ आपने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या अप्रोच लगाया? सर पहले तो हम पॉइंट को सर ए और एक्स मान लिए, एक्स एंड वाई मान लिए सर कोऑर्डिनेट को, ठीक है, रुको एक मिनट, मान लो कि यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया और फिर क्वेश्चन के मुताबिक ए बी एक डायमीटर दिया हुआ है, तो ये हमने ए बी मान लिया और
ये मेरा ए, ये मेरा पी, और बीच में मेरा सेंटर है ओ। तो आपने किसको एक्स कॉमा वाई माना है सर? बी, बी को। बी का तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन सर, ए को, ए को सर, ए को एक्स कॉमा वाई माना, और सेंटर भी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2, -3। उसके बाद सर, उसके बाद सर सेक्शन फॉर्मूला से सर m1 + m2 x1 / m2 x1 / m2 से सर सॉल्व किए थे, तो सर सॉल्व करने के बाद 4x - 4y = -y आ रहा है, तो उसके बाद सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि क्या करना है प्रोसेस। नेक्स्ट, एक और चीज आपको यहाँ पे ओ का खासियत क्या है यहाँ पे? आपको यहाँ पे ये पता चला कि O सेंटर है और ए भी डायमीटर है, तो उस हिसाब से तरन O हमारा ए बी का मिड पॉइंट नहीं होगा क्या? यस सर। और अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो रेशियो कितना हो जाएगा सर? 1/1। तो अब आप फॉर्मूला में एक बार 1/1 पुट करना, तो क्योंकि मुझे अब दिख रहा है कि अगर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हम O निकालने के लिए, सोच लो O निकालने के लिए हम ए बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते तो क्या बनता? x + 1/2, y + 4/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हम ए और बी पे तो हमारा ये निकल कर आता मिड पॉइंट। क्वेश्चन में मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2, -3 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपका x + 1/2 क्या होना चाहिए? 2 के बराबर है कि नहीं? यस सर। ये वाला चीज इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला चीज इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स और वाई आपका निकल आएगा, राइट? यस सर। चलो तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड द कोड, वैसे ट्राइसेक्शन वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे भी अभी मैंने देखा है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा लैंग्वेज किसी को यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 को देखोगे तो एग्जाम्पल 3 एंड ये डिटो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, और यहाँ पे भी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो सेम क्वेश्चन है, सो आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, बट एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 4, -1 and -2, -3। 4, -1 4, -1 और दूसरा था -2, -3। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, बाईसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्शन का मतलब होगा लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहां पे एक पॉइंट यहां आएगा सी, एक पॉइंट यहां आएगा डी। ठीक है, तो जब इफ इफ सी एंड डी, इफ सी एंड डी ट्राइसेक्स ए बी, देन ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी। तो स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन में क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट आपको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ट्राइसेक्शन में क्या होगा? तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा लाइन सेगमेंट। तो गाइस, अगर हमको तीन भाग में डिवाइड करना है, अब जैसे आप बीच में एक पॉइंट लगाते हो तो दो भागों में डिवाइड करता है, तो जब आप दो पॉइंट लगाओगे तभी ना जाके तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक आपको सी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और आपको डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। दोनों निकालोगे तब जाकर ये आगे सॉल्व होगा। ये हमारी पहली चीज होगी। ठीक है, अच्छा जस्ट अ मिनट। हम्म,
ठीक है. सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि सी और डी, ठीक है, सी और डी दोनों क्या कह रहा था मैं कि हाँ ट्राइसेक्ट हो रहा है. ट्राइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब बाइसेक्शन होता है तो मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है. लॉजिकली अगर देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे ये आया, इधर आ गया आपका, मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर का लाइन था, ये 10 सेंटीमीटर का लाइन था और जब आपने यहाँ पे मिड पॉइंट लगा दिया तो ये कितना बन गया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, राइट, 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर. अब सोचो कि अगर ये 15 सेंटीमीटर का लाइन है, सोच के रखो, तो ये उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों के तीनों लेंथ बराबर हो जाएंगे कहने के लिए. अच्छा मेरा एक सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट है, आप बताओ कि सी का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो थोड़ी देर के लिए डी को भूल जाओ, पहले थोड़ी देर के लिए डी को भूल जाओ. यहाँ पे हमारे ए के कोऑर्डिनेट से 4, -1, फिर यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट से -2, -3 और यहाँ पे हमारा पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है सी. अब मैं सी के कोऑर्डिनेट्स को निकालना चाहता था. सी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने से पहले आप सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाना चाहते तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि वो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उस लाइन के अगर आपको दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और उस पॉइंट के कारण जो लाइन दो भागों में डिवाइड हुआ तो अगर मुझे वो उसका रेशियो पता है तब जाकर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता सकते हैं, राइट. तो अब मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए रेशियो. तो अगर थोड़े टाइम के लिए आप डी पॉइंट को भूल जाओगे तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का, और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर का, ठीक है. ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर. तो गाइज अगर आप रेशियो कैलकुलेट करते हो, अब अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ए सी अपॉन सी बी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर / 10 सेंटीमीटर, तो कितना बन गया, वो बन गया 1:2. आइडिया आ रहा है क्या, वो बन गया 1:2. इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, अगर आपको इतना 5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल नहीं लेना है, आप इसको 1 सेंटीमीटर ही मान लेते, आप इसको 1 1 सेंटीमीटर का मान लेते, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर. तो अगर हमको सी पॉइंट को निकालना है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो थोड़े टाइम के लिए डी को भूल जाइए. तो वहां पे भी हम देखेंगे कि ए से लेके सी तक का दूरी है 1 और सी से लेके बी तक का दूरी है 2, तो रेशियो हो गया 1:2. ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता था. आर यू गेटिंग दिस, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये 1:2 मैं हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि सी जो है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा, इसमें कोई दिक्कत, अवनीश ये ग्रुप पे मैसेज आपने किया है क्या? नो सर. ओके, सो यहां तक आई होप आपको लॉजिक क्लियर है, बिकॉज वंस दिस इज क्लियर हम ये कह सकते हैं कि सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. अब अगर हम यहाँ पे उसी सेम सिचुएशन को आप ड्रॉ करें, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया 4, -1, यहाँ बी के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया -2, -3, यहाँ पे हमने सी पॉइंट को डाल दिया और यहाँ रेशियो लगा दिया हमने 1:2.
तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के अगर हमको x कॉमा वाई निकालना है तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × -2, मतलब अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा प्रॉपर। 1 × -2 आपका -2 हो जाएगा, 2 × 4 आपका 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 2। सिमिलरली y कैलकुलेट करोगे तो 1 × -3 -3 हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो फाइनली ये वैल्यू कितना आया, 6/3 2 आया, और यहाँ पे -5/3, ठीक है। तो 2, -5/3 हमारा वो आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 2, -5/3। तो गाइस सेम तरीके से आप डी को निकाल सकते हो क्या? अब जब हमको डी कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम सी को भूल जाएंगे, राइट? तो लेट मी बस यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, सिमिलरली टू फाइंड डी, आपका लॉजिक क्या रहेगा, अब ए बी यहां पे डी को रखा, अब ये 2:1 बन गया, यहाँ पे आपका 4, -1, यहाँ पे आपका -2, -3, और इसको मान लो x1, y1। और आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। अच्छा एक और तरीका बताता हूँ, सेकेंड अप्रोच टू फाइंड डी। अगर मैं एक बार उस पूरा डायग्राम को दोबारा से यहां पे ड्रॉ करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे ए है उस कोऑर्डिनेट इज 4, -1, यहां पे बी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -2, -3, यहां पे सी है और यहां पे डी है। सी डी, सी का हमने कितना निकाल लिया था, 2, -5/3, 2, -5/3। Now my question to you is D the midpoint? Is D the midpoint of CB? बताओ क्या आपको D यहां पे CB का midpoint दिख रहा है? Yes or no? राइट तो अगर आपको ये डी मिड पॉइंट दिख गया तो डोंट यू थिंक कि वो मिड पॉइंट वाला लॉजिक से ज्यादा आसान हो जाएगा? डोंट यू थिंक कि मिड पॉइंट वाले लॉजिक से ज्यादा आसान हो जाएगा? बिकॉज अगर वो आपको क्लियर हो गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + -2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 -5/3 +-3 डिवाइडेड बाई 1 + 1, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहां पे कि ट्राइसेक्शन का अगर केस था तो हमने पहले सी का कोऑर्डिनेट निकाला, सी का कोऑर्डिनेट निकालने के टाइम पे डी को इग्नोर किए, और हमने देखा जो सी है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा था, ए बी पता था, बी भी पता था, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हमने कैलकुलेट कर लिया उसके कोऑर्डिनेट। वो उसके बाद हम सेम तरीके से सी को इग्नोर करके डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, लेकिन डी के केस में रेशियो क्या होता, 2:1 होता, क्योंकि डी जो है वो बी के ज्यादा पास में और ए से ज्यादा दूर है, तो वहां पे 2:1 रेशियो लगता। ये एक तरीका होता, या फिर सेकेंड अप्रोच था कि डी जो है वो सी बी का मिड पॉइंट होता, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। कोई दिक्कत यहां पे, लेट मी नो इफ इट इज ओके।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 2:1 करके निकालोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुक में आपको सॉल्यूशन में 2:1 करके दिया होगा, मतलब जो नेट पे सॉल्यूशन जो होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। यू कुड हैव आल्सो गॉन फॉर मिड पॉइंट, और मुझे जो दिख रहा है कि मिड पॉइंट वाला ज्यादा इजी होता है, कभी भी मिड पॉइंट वाला 2:1 के मुकाबले में ज्यादा इजी होगा हमेशा। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2, -10, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3:7। चलिए ये खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट। निहारिका कह रही है कि इट इज सेम एज ऑफ एग्जाम्पल 4 फ्रॉम आर एस अग्रवाल। अगर एग्जैक्टली सेम है तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। यस गाइस, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम, देख सकते हो 2013 में आया हुआ है, और ये इसका फंडा बहुत जगह पे लगता है, ठीक है, इसका फंडा बहुत जगह पे लगता है। नहीं आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये एग्जाम्पल 5, राइट, एग्जाम्पल 5 ये वाला लॉजिक है, एग्जाम्पल 5 हो गया। एग्जाम्पल 4 देखो, देख रहे हो एग्जाम्पल 4 में भी इस तरीके का लैंग्वेज लिखा हुआ है, एपी इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ एबी, ये 2015 में आया हुआ है। एग्जाम्पल 5 में देखिए, एपी अपॉन पीबी इज 1/3, 2010 में आया हुआ है। ये वाला एक्चुअली बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, -2, -2, -2, -4। ठीक है, अब पी पॉइंट यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, पी पॉइंट यहाँ बीच में लाई कर रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होता है, पहले मैं वो लिख देता हूं, गिवन एपी इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ एबी, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट इसको एपी अपॉन एबी तो सही करता है, एबी को क्रॉस मल्टीप्लाई करता है और इसको 3/7 लिख देता है, बट फिर मिस्टेक ही हो जाता है, डोंट कंसीडर m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 7 हियर। ये आपका अज्यूम करना स्टूडेंट यहां पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज जब हम रेशियो की बात करते हैं क्वेश्चंस में तो हम बोलते हैं कि p के कारण किस हिस्से में डिवाइड हुआ, तो ap अपॉन pb में डिवाइड हुआ, p के कारण AP अपॉन PB में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना, जब आपके बीच में पॉइंट P आया तो उसके कारण AP अपॉन PB में डिवाइड होता है। हम जो क्वेश्चन में M is to N लेते हैं वो ये वाला लॉजिक होता है, M आपका वो AP होता है एक तरीके से और N आपका PB होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में AB आया हुआ है, आपको उधर क्या चाहिए, आपको उधर PB चाहिए, ठीक है, आपको उधर PB चाहिए। तो इसीलिए अगर एक बार मैं आपको वहां एग्जाम्पल पे भी ले जाऊं, ये देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको AP इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ AB दिया हुआ है, तो यहां से सबसे पहले नोटिस करो तो क्या निकाला गया है, AP अपॉन PB निकाला गया है, AP अपॉन PB निकाला गया है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और बड़ा सिंपल होता है, मान लो अगर आपके पास टाइम वाइम थोड़ा कम बचा हुआ है
और आपको ये दिया हुआ है और आप निकालना चाहते हो एपी अपॉन पीबी निकालना चाहते थे, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को सेम रखना क्योंकि न्यूमरेटर एपी था यहाँ पे पहले भी, अभी भी एपी है, तो इधर टू रखे हो तो यहाँ भी टू रखिएगा। डिनोमिनेटर में क्या करना कि पहले एबी था पीबी आ गया, तो आप ना डिनोमिनेटर का रेशियो वाला जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर के रेशियो वाले वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना, 5-2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्टली ऐसे रेशियो लिखकर इसको यूज कर लेना, एटलीस्ट हाफ नंबर ही काटेगा वहां पे एग्जामिनर, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपरली ये जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एपी अपॉन पीवी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहां अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा खेल गाइस उसी का है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको बस वो एपी अपॉन पीबी निकालना ही मेन है, मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट एपी अपॉन पीबी फ्रॉम AP अपॉन AB, ठीक है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का पूरा मेन पार्ट होने वाला है। अब जैसे ही स्टूडेंट हमको AP अपॉन, जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ है, यहाँ पे हमको लॉजिक बताया हुआ है कि AP अपॉन AB कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है आपको 3/7। तो यहाँ से अगर मुझे AP अपॉन PB निकालना हुआ तो पहले मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में पहले AP था अभी भी AP है, तो पहले 3 था तो अभी भी 3 लिखेगा, डिनोमिनेटर में PB आ गया। अब PB कैसे आता है, AB माइनस AP करके आता, तो इसलिए 7-3 यहाँ पे 4 लगा देना, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू 4 आ गई। अब फॉर्मूला जो पुट करोगे उसमें इसको M मान लो, इसको N मान लो, ये आपका X1, ये आपका Y1, ये आपका X2 और ये आपका Y2। अब आप प्रॉपर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे पीयूष? पीयूष एक बार म्यूट करना। यस सर। होमवर्क किधर है पीयूष? यस सर। होमवर्क किधर है? होमवर्क सर सबमिट किए हैं हम। कितने क्वेश्चन किए उसमें? 5 सर। हाँ? 5। कितने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में? सर 10 है एक्सरसाइज में। हाँ, तो फिर आपने अभी तक एक भी डाउट नहीं पूछा, राइट? जबकि आपने, आपसे 5 क्वेश्चन हुए थे, क्या सोच के कि पता नहीं चलेगा फिर सर को कि 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं? नो सर। नो सर, सिर्फ 5 क्वेश्चन क्यों किए हो फिर? मैं तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन गिना दूं जो आरएस अग्रवाल के जैसा डिटो कॉपी पेस्ट है। यस सर। बोलो, एक क्वेश्चन नंबर 3 मान सकता हूँ कि आपको वहां पे नहीं मिला होगा। 3 के अलावा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है वैसे जो यहाँ पे नहीं मिला? वो भी अगर मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया कि यहाँ से सेम क्वेश्चन, अब अगर उठा के मैं दिखा दूं कि तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी भी वो हार्डवर्क वाले मोड पे आए नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, बस वो फॉर्मेलिटी कर रहे हो। 5 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन किए थे थोड़ा बताना सर। 1, 4, 7, 8 सर। 1, 4, 7, 8 और सर 10th का सर आधा बना है, ठीक है। तो मतलब 4 ही क्वेश्चन हुआ। और मैंने क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था? मैंने क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था?
सर फिर से बोलिए एक बार। मैंने क्लास में पिछले क्लास में इस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कराया था लिखे होगे ना नोट्स में सर? तो 7.1 ना सर डाउट था जो बता रहे थे। उसका 7.2 नहीं बताया था, ऐसे ही दे दिया आप लोगों को करने के लिए। सर आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स को सर देखकर सॉल्व करके इसको बोला था बनाने के लिए सर। मैंने कुछ फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं बताया था। बताए थे सर, फार्मूला बताया था, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने। ये है ना क्वेश्चन नंबर टू? यस सर। ये आप ही लोग का फाइल है? अब अगर यहाँ पे मैं खोल के दिखा दिया मतलब आपके नोट्स में ये भी नहीं है। बस मैं आपको यही फील कराना चाहता हूँ कि यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड मच, एंड द नेक्स्ट टाइम इफ आई गेट अ कॉल फ्रॉम योर मदर आई विल बी ऑनेस्ट कि फॉर्मेलिटी कर रहा है, अभी तक उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखा हुआ है। राइट? ओके सर। कगना आपको ये चीज समझ में आई थी? यहाँ पे ये वाला रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था ये समझ में आया था? Okay. So let me explain this. मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? देखिए, आइडियली अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज पिक पर जाओ, स्पेशली ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको ये शो करना पड़ेगा, टाइम कम होगा तभी आप सीधा माइनस कीजिएगा। ए बी यहां पे आया है पी, अब ए के कोऑर्डिनेट्स है 1.2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6.7 और पी के कोऑर्डिनेट्स है हमें नहीं पता, पी अभी हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक एपी अपॉन एबी दिस वैल्यू इज गिवन एज 2:5, राइट? दिस वैल्यू इज गिवन एज 2:5। अच्छा आपको क्या निकालना है? अच्छा ये सब कोई नोट कर लेना, आई एम गिविंग यू द सिंपलेस्ट अप्रोच। आपको क्या निकालना है? एपी अपॉन ए बी निकालना, सॉरी एपी अपॉन पी बी निकालना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा जानते हो? एपी को यहां से क्या लिख सकते हो? 2k लिख सकते हो कि नहीं? एबी को क्या लिख सकते हो? 5k लिख सकते हो, राइट? एपी को लिखा 2k, एबी को लिखा 5k, अब हमको निकालना है पी बी, अब हमको निकालना है पी बी, पी बी का वैल्यू कितना होगा? तो PB का वैल्यू होगा AB माइनस AP, PB का वैल्यू होगा AB माइनस AP। अब यहां पे AB देखोगे तो AB कितना है? AB का वैल्यू है 5K, AP का वैल्यू कितना है? AP का वैल्यू है 2K, तो 5K माइनस 2K कितना हुआ? 5K माइनस 2K होगा 3K, यस और नो? अगर आपको PB निकालना है डायग्राम को देखिए, PB आपका AB में से AP माइनस करने से आएगा, तो वहां से PB का वैल्यू आ गया 3K। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमको क्योंकि क्वेश्चन में AP अपॉन PB निकालना था, तो कितना कर लोगे आप? 2K अपॉन 3K करोगे, KK कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको AP अपॉन PB कितना मिल जाएगा? AP अपॉन PB मिल जाएगा 2:3। आर यू गेटिंग दिस? बेटर देन द सोल्यूशन हियर? ठीक है, तो मान लो कि मुझे सेम चीज करना है क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा?
दिस इज इक्वल टू 3:7, तो यहां से हम मान लेंगे एपी का वैल्यू 3k मान लो एंड एबी का वैल्यू 7k मान लो, तो देयरफॉर पीबी कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा एबी, एबी माइनस एपी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 7k माइनस 3k, कितना हो गया ये हो गया आपका 4k, तो देयरफॉर एपी अपॉन पीबी कितनी आएगी वैल्यू, ये आएगी 3k अपॉन 4k, के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रेशियो निकल कर आया 3/4, ज्यादा बेटर अप्रोच है, फॉलो कीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। ओके, गेटिंग दिस, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा वैसे आपको, ठीक है, ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा वैसे आपको। चलिए, तो द टाइम इज 5:30, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, हमने पहला एक्सरसाइज था डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां पे किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालते थे हम रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करके। फिर आया था सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, दो पॉइंट्स को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है और उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट है, उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट है और वो तीसरा पॉइंट इन दो पॉइंट को किस m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से वो बीच वाले पॉइंट की रेशियो को निकाल सकते थे। अब उसी का स्पेशल केस था मिड पॉइंट फॉर्मूला, जहां पे 1:1 में डिवाइड होता है। आपको आई थिंक यहाँ पे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं फील हुआ होगा क्वेश्चंस को लेकर, क्वेश्चंस हैव बीन वेरी इजी, राइट, आसान थे क्वेश्चंस और ज्यादा क्वेश्चन भी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बनते नहीं है, तो बस इतना मेक श्योर कीजिएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व करने का लॉजिक पता हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर लॉजिक पता, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या रहेगा गाइस, आपको तीन पॉइंट दे दिए जाएंगे और उस तीन पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन रहा होगा, आपको उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसमें जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपके सामने दिख रहा है, आप देख, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो थ्रू इट, बट द डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसके डेरिवेशन के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आया है, अगर मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में भी बात करूँ। सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आखिर लगता कैसे है, तो दैट पैटर्न इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिकॉल, मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सो लेट मी राइट इट डाउन हियर, ठीक है। कोई ऐसा सवाल जहां पे फंसे हो, कोई डाउट है तो पहले बताइए, फिर मैं आगे जाऊंगा। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पे अभी भी कोई दिक्कत है, एनीवन, फराज, अवनीश, आकाश, युवराज, कोई दिक्कत, थर्टीन मतलब आप आर्य अग्रवाल की बात कर रहे हो, थर्टीन में ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी, ओके। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा आपका, आपको यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस बनाने की जरूरत होंगी, जैसे क्वेश्चन में एक ट्रायंगल था ए बी सी, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस लेंथी क्वेश्चन है, तो ए बी का मिड पॉइंट है एफ, बी सी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप क्या करोगे, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, x2, y2 और x3, y3 अज्यूम कर लियो। अब आप बताओ यहां पे कि अगर f मिड पॉइंट है तो किसका मिड पॉइंट है, f किसका मिड पॉइंट है, ab का, तो इस हिसाब से x1 + x2 / 2 क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 एंड सिमिलरली y1 + y2 / 2 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, x1 + x2 इज इक्वल टू 8 और y वाले केस में क्या हो गया, y1 + y2
इज इक्वल टू माइनस थ्री, है ना। तो यहां पहला पहला हमारा इक्वेशन ये निकल कर आ गया। ठीक उसी तरीके से निहारिका आपको बीसी का जो मिड पॉइंट है डी उसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3 होगा, तो वहां से आपको मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 और y1 सॉरी y2 प्लस y3 ये आ जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 निकल कर आएगा। फिर आप सेम चीज यहां भी करोगे, यहां पे भी करोगे x1 और x3 का मिड पॉइंट है माइनस 3, तो ये बनेगा मेरा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 2। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, सॉल्व करने में दिक्कत हुआ होगा राइट, इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। दिव्यांशु पूछ रहा है कि सर कैन आर एस अग्रवाल क्वेश्चंस कम इन बोर्ड, बिल्कुल आ सकते हैं। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट वैल्यू चेंज करके बिल्कुल आते ही हैं, बिकॉज आर एस अग्रवाल इज नथिंग बट योर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं और साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। आपको यहां पे कोई भी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है ना। x1 प्लस x2 बराबर 5 है, x2 प्लस x3 बराबर लेट्स से 10 हो गया एंड x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 7 है मान लीजिए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये सबको सुनिए क्या लॉजिक रहेगा, हमेशा ये अप्रोच फॉलो करना। इसको मार्क कर लो 1, इसको मार्क कर लो 2, इसको मार्क कर लो 3। अब आपको करना है 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है आपको, ठीक है गाइस। जब आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो उनका LHS अलग से ऐड होता है, उनका RHS अलग से ऐड होता है। जब आप LHS पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा x1 जो है वो दो बार आ रहा है, x2 दो बार आ रहा है और x3 भी दो बार आ रहा है। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, यस और नो स्टूडेंट्स। अगर आप ऐड करोगे इक्वेशन को तो डोंट यू थिंक कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में भी नंबर्स ऐड करो, 5 प्लस 10 प्लस 7 कितना हो गया, ये आ गया 22। अब अगर आप 2 से कैंसिल करते हो, 2 से कैंसिल करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22 बाई 2 आ गया 11। इसको मार्क कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 को देखो क्या है, x1 प्लस x2 का वैल्यू। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, x1 और x2 कट नहीं जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 4 में से। ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 में से x1 और x2 हट गया तो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, x3 बचेगा और राइट हैंड साइड में 11 माइनस 5 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 में से जब हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चौथे इक्वेशन में से जब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, चौथे इक्वेशन में x1 x2 x3 है जबकि सेकंड इक्वेशन में x2 और x3 है, तो माइनस करेंगे तो वहां पे क्या बचेगा, x1 बचेगा और यहां पे 11 माइनस 10 हो गया 1। एंड फाइनली चौथे इक्वेशन में से जब थर्ड इक्वेशन को माइनस करोगे तो x1 x2 x3 में से x3 और x1 को हटा दिया तो क्या बचा, यहां पे हमारे पास बचा x2 और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। तो यहां से आपको x2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x2 का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है। ये फॉलो कीजिएगा इस तरीके के इक्वेशंस में हमेशा, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। बट आपको ये पैटर्न याद रखना होगा कि ऐसा होगा कि तीनों इक्वेशन में हर वेरिएबल दो दो बार आना चाहिए, तीनों इक्वेशन को मिलाकर हर वेरिएबल दो दो बार आना चाहिए।
या कोई भी दो इक्वेशन, जैसे कि मान लो x1 आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिखा, थर्ड इक्वेशन में दिखा, x2 आपको सेकंड इक्वेशन में दिखा, फर्स्ट इक्वेशन में दिखा, x3 आपको थर्ड इक्वेशन में दिखा और सेकंड इक्वेशन में दिखा, तो हर वेरिएबल आपको तीन में से दो इक्वेशन में दिखना चाहिए, तो आप हमेशा उस केस में ऐड करोगे, पहले हमेशा आप तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको x1 plus x2 plus x3 मिल जाएगा, और उसको मार्क कर लीजिएगा फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ में से वन को माइनस करोगे तो एक वेरिएबल आएगा, फोर्थ में से इक्वेशन फोर में से इक्वेशन टू को माइनस करोगे तो एक और वेरिएबल आएगा, एंड सिमिलरली इक्वेशन फोर में से इक्वेशन थ्री को माइनस करोगे तो आखिरी वेरिएबल आ जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस? तरनजोत, अवनीश, दिवेश, अब सेम तरीके से आप y1, y2, y3 के लिए भी कर सकते हो ना. अगर वन वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा तो दूसरे में वैल्यू पुट करके निकाल सकते, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हो. 15 एंड 16. निहारिका, 15 वाले में ना वो आपको ये पूछेगा नहीं, मतलब सेंट्रोइड क्या है कि ये मीडियन वर्ड मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है. सो ज्यादा से ज्यादा वो आपको एक नंबर के लिए चीज पूछेंगे, दे विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. x1 कॉमा y1, यहाँ पे आ गया x2 कॉमा y2, और यहाँ पे आ गया आपका x3 कॉमा y3. तो देयरफॉर सेंट्रोइड कैसे याद रखना है, आप सेंट्रोइड भी तो एक पॉइंट होगा ना, सेंट्रोइड भी एक पॉइंट होगा मीडियंस का इंटरसेक्शन, तो आपको सबके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है. तो x1 plus x2 plus x3 ऐड करो सारे x कोऑर्डिनेट्स को, डिवाइड कीजिए 3 से, फिर सिमिलरली सबके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए, y1 plus y2 plus y3, डिवाइड कीजिए 3 से, यहां से आपको सेंट्रोइड मिलेगा, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सिंपली सारे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, एंड सिमिलरली सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3. 16 में भी सेम लॉजिक लगाओ, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है. 16 में भी सेम लॉजिक लगाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा. चलिए, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बात करते हैं. ओके, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बात करते हैं. लास्ट कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर का. तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ट्रायंगल नहीं, इनफैक्ट उसके तीन वर्टाइसेस दे दिए जाएंगे. तो यहां पे यू विल बी गिवन द कोऑर्डिनेट्स, यू विल बी गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री पॉइंट्स, एंड यू हैव टू You have to find out the area based on, आपको area find out करना पड़ेगा based on those based on the triangle formed by joining the three given points. तो जैसे हमारे पास जो तीन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा स्टूडेंट, तो जब आप उस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से, तो आपको जो ट्रायंगल मिलेगा ना, आपको उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. जैसे कि यहां मान लीजिए, आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल,
तो लेट से कि ये ए पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स वन कॉमा वाई वन, ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स टू कॉमा वाई टू, और ये सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। और अब मुझे इनका एरिया फाइंड आउट करना है, अब मुझे इनका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला, हाफ लगाइएगा सबसे पहले, एक बड़ा सा ब्रैकेट, आप क्या करना पहले लिखना x1 फिर ब्रैकेट लगाना, यहां पे x1 लिखे हो ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट्स लिखना है, कौन सा ऑर्डर में, y2 माइनस y3। तो ध्यान देखना 1 2 3 1 2 3 का एक साइक्लिक ऑर्डर आएगा, क्या करोगे पहले x1, फॉर्मूला को याद करने का तरीका है, फॉर्मूला में पहले x1 आएगा उसके बाद ब्रैकेट लगाकर y2 माइनस y3, फिर प्लस आएगा, अब यहां पे लिखोगे x2, ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस आएगा, अब लिखोगे x3 और ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2। तो अगर आप नंबर्स को देखो, अगर आप नंबर्स को देखो तो 1 2 3 का एकदम साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, ऐसे यहां पे ऐसे लिख देता हूं 1 1 2 3, तो ऑर्डर जो है वो ऐसा चल रहा है 1 2 3 1 2 3, ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट से उसके आगे x कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे अगर x1 आ गया है तो यहां पे y2 और y3 आएगा, किस ऑर्डर में आएगा 1 2 3, तो इसलिए y2 पहले लिखा है माइनस y3, यहाँ पे अब आपने x1 के बाद x2 लिखा है, यहाँ x3 लिखा हुआ है, x2 लिखे हो ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट्स आएगा, किस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में चलेगा, तो 2 के बाद 3 आता है तो इसलिए हम y3 लिखेंगे, फिर माइनस y1 आएगा, लास्ट वाले में x3, 3 के बाद आप 4 पे नहीं जाओगे, आप 1 पे आओगे वापस, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 वाला ऑर्डर चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे y1 माइनस y2 बनेगा। दिस इज द ओनली फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज, this is the only formula of this exercise, ठीक है, तो please try to remember the formula in this way, ताकि वो silly mistake ना हो, सबसे ज़्यादा इस वाले formula में लोग silly mistake करते हैं, क्योंकि total आप देखोगे तो आपके पास 6 coordinates दिए हुए रहते हैं, एक भी चीज इधर से उधर हो गई तो silly mistake हो जाता है, ठीक है, एक भी चीज इधर से उधर हो गई तो silly mistake हो जाता है, जैसे कि let's say we take an example now, जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला करना है, मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं, ओके, तो गाइस आपको क्या करना है, यहां पे 2 कॉमा जो 3 है उसको आप x1 y1 मान लीजिए, x1 का वैल्यू 2 y1 का वैल्यू 3, अगला पॉइंट जो दिया है हमारे पास -1,0, उसमें आप x2 को -1 मान लीजिए एंड y2 को 0 मान लीजिए, एंड फाइनली थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में x3 का वैल्यू 2 हो जाएगा एंड y3 का वैल्यू हो जाएगा -4। तो पहले आपने वो क्लियर कर लिया, x1 y1 वो सब क्लियर कर लिया, अब मान लो कि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो हाफ ब्रैकेट सबसे पहले लिखेंगे x1, अब सिंपल ब्रैकेट के अंदर आएगा y2 माइनस y3, तो ये बन जाएगा 0 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4। फिर आएंगे हम x2 के ऊपर, अब x2 का वैल्यू है -1, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ऑफ -1 करोगे तो -1 आएगा, ब्रैकेट अब यहाँ पे डालना है क्या, x2 लिख दिए हैं तो y3 माइनस y1 आएगा, y3 का वैल्यू है -4, फिर माइनस y1 करना है, y1 का वैल्यू 3 है तो इसलिए यहाँ पे -3 आ गया, और फाइनली अब आएंगे x3 को रखो, x3 का वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में आएगा क्या, ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, x3 कर दिया, 3 के बाद 1 2 होगा तो x3 के साथ y1 माइनस y2 किया जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस 0। ओके, तो यहां से अब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां आया ब्रैकेट के अंदर 2 4 8, यहां पे -7 × -1 बन गया +7 और यहां पे बन गया 2 3 6, तो फाइनली ये 14 प्लस 7 21 हो गया,
21 डिवाइडेड बाय 2 निकल कर आ गया 10.5, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ दो तीन चीजें हैं जो आपको नोट करके रखनी है, नोटिस कर सकते हो, इट्स अ सिंपल यूसेज ऑफ द फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, पर छोटा सा नोट क्या रखना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इफ कभी कभार क्या होगा कि अल्टीमेटली अंदर तो कोऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हो ना, कोऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हो तो नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज अभी हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ये मेरा एल्जेब्रिक मेथड हो गया एरिया कैलकुलेट करने का। एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में गाइस बेस भी नेगेटिव नहीं होता है और हाइट भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन इस वाले मेथड से क्या हो सकता है कि इट्स पॉसिबल कि आप सॉल्व कर रहे हो वैल्यूज वगैरह प्रॉपरली पुट किया, सब कुछ सही किया और नंबर आ गया माइनस पांच, तो वहां पे ये मत समझना कि आपसे गलती हो गई है, आप बस उस माइनस को रिमूव कर देना, बिकॉज आप जो अभी ये मेथड लगा रहे हो ये मेथड हो गया एल्जेब्रिक मेथड, आप यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हो, नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, सो इट्स वेरी मच लाइकली कि आपके कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बस क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं अल्टीमेटली तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसीलिए आप जो भी आएगा वहां से माइनस का साइन को रिमूव कर दोगे, ब्रैकेट में लिख देना सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे वही नोट कर रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, अगर ये वाली चीज इफ दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव जस्ट रिमूव द माइनस साइन टू गेट योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप कैलकुलेट करते हो और वो वैल्यू माइनस आता है तो आप क्या कीजिएगा, आप बस वहां पे माइनस के साइन को रिमूव कर दीजिएगा। तो मान लो सब कैलकुलेशन वगैरह करके आपको माइनस पांच आया है तो आप वहां पे माइनस पांच एरिया मत लिख दीजिएगा, हाफ नंबर कटेगा, आप वहां पे माइनस छोड़कर लिख देना एरिया इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर यूनिट, ब्रैकेट में लिख देना सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। दिव्यांशु पूछ रहा है सर इन दिस चैप्टर ओनली थ्री फॉर्मूला, यस, पहला एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे बात करें तो अगर आप क्वेश्चन नंबर वन को देखते हो, क्वेश्चन नंबर वन में दो ही सब क्वेश्चंस है, आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया, आप आसानी से फॉर्मूला लगा लिए। क्वेश्चन नंबर टू को देखो, क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ टेल मी गाइज, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उससे क्या पता चलता है हमें, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उससे क्या पता चलता है, कोलिनियरिटी बेस्ड क्वेश्चंस में। तो गाइस द सिंपल लॉजिक इज दैट इफ, यस दिवेश, इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मींस, उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं,
अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं, इसका मतलब कि कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मींस दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. और अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इट मींस सो नो ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड. No triangle will be formed by joining three non-collinear points, three collinear points. Triangle form होने के लिए वो points तो non-collinear होना जरूरी है. अगर तीनों के तीनों point एक ही line के ऊपर lie कर गए तो triangle बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा. तो यही चीज लिख रहा हूं. So no triangle will be formed by joining three collinear points. In that case, अब यहां पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स वाले. सो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही चीज यूज करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू जीरो. यही आपको यूज करना है क्वेश्चंस वगैरह में. दिस इज यूज्ड इन क्वेश्चंस. ठीक है, दिस इज यूज्ड इन क्वेश्चंस. ओके, एनी प्रॉब्लम? सो आपको यहां पे अगर क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे बोला है कि in each of the following find the value of k for which the points are collinear. मतलब ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकाले है जिसके कारण ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. k की वैल्यू निकाली है जिसके कारण ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे प्रॉपरली उस तरीके से और उसको इक्वल टू जीरो कर दोगे. इक्वल टू जीरो करोगे, इक्वेशन आ जाएगा. उस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? एंड अगेन गाइज, सॉल्व करने से पहले, क्योंकि देखो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं 7.3 में? देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस. तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस करके तो काम होगा नहीं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है. तो मैं एक बार आपको यहाँ से छोटा सा यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से भी एड ऑन करूंगा आरएस अग्रवाल से. ठीक है, नोटिस कीजिए, यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज को गो थ्रू किए हो, जैसे ये सेक्शन फॉर्मूला का एक्सरसाइज है, तो प्लीज एक बार देखो कितने जगह पे पास्ट ईयर क्वेश्चन थे. ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2017 में आया, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखो, ये एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा हुआ है. दिस इज अगेन 2015, दिस इज 2014, 2009, 2005. ये 2 साल पुराना एडिशन है, इसलिए 2017-18 तक के क्वेश्चन आपको दिखेंगे. 2010, 2015, 2004. एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन को यहीं से गो थ्रू कर सकते हो. कोई अलग से बुक वगैरह खरीदने की भी जरूरत नहीं है. 2007 देख सकते हो, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन थे. ये देखो यहाँ पे रीसेंट क्वेश्चन थे सारे, 2014, 2017, 2017, 2017, 2017. तो ऑल दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला एंड दे हैव कम इन द बोर्ड्स 2017. तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, तब भी कुछ होगा तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, आई विल एक्सप्लेन इट. बट येस, एफर्ट मारना. 10 से 15 मिनट तक तो आप एक क्वेश्चन को देना, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है वहां पे आप ज्यादा सीखोगे. इंस्टेड ऑफ 2 मिनट में उस क्वेश्चन को छोड़ देना. ठीक है, यस निहारिका, एग्जैक्टली. नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं. आई एम प्लानिंग टू कीप डिफिकल्ट चैप्टर्स फॉर ऑफलाइन सेंटर. ठीक है, ईजी चैप्टर्स को कम्प्लीट कर लेंगे. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री और उसको शायद अवॉइड करके हम आगे जंप कर जाएंगे 12, 13 पे, 14, 15 पे. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से छोटा सा काम दूंगा, गो थ्रू इट. एग्जाम्पल्स को एक बार देखना जरूरी है क्योंकि आप लोगों का राइटिंग स्किल्स इसी से डेवलप होगा. अभी ऑनलाइन है तो फिर कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है सब्जेक्टिव वाला, राइट? तो राइटिंग स्किल्स डेवलप करना है तो खुद से लिखना पड़ेगा और उसके लिए बेस्ट रेफरेंस विल बी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बड़े कम है. तो इसीलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए आरएस अग्रवाल के सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखिएगा. जहां भी दिक्कत होगा, आई हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्लास में इट विल बी अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, डाउट्स क्लियरिंग. और डाउट क्लियर होने के बाद वी विल डू सम कहूत.
आकाश क्या डाउट है? एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स विद वर्टिसेस लाइक दिस। तो आकाश ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, थोड़ा सा बाकी लोग को भी ट्राई कर लेने दो, बिकॉज अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बाकी लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा। वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर। ओके, कोशिश करते हैं फ्राइडे को चैप्टर खत्म करने का। क्वेश्चन नंबर टू, ओके क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर टू में क्या करोगे आकाश? लेट्स से आई जस्ट क्विकली सॉल्व, बाकी लोग आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन, होमवर्क आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर टू, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री। आकाश आप ऐसे फॉर्मूला यूज करोगे, आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करोगे और ये वैल्यू को इक्वल टू जीरो डालोगे। ठीक है आकाश, एक बार अनम्यूट करना। यस सर। हाँ देखिए आकाश, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि के की वैल्यू निकालना है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ इफ यू नो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दोस पॉइंट्स, वो जीरो होगा। यस सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन दे दे रहा है कि आपका इक्वेशन बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो। अब आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हेल्प से आपने यहाँ पे पूरा एरिया कैलकुलेट किया, सारे वैल्यूज डाले और उसको इक्वेट करोगे जीरो के। अब उस इक्वेशन में आकाश आपको सिर्फ एक वेरिएबल मिलेगा, दैट इज के, और इक्वेशन एक है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम देयर। ठीक है, लेट मी शो यू क्वेश्चन फ्रॉम हियर। वैसे आपने क्वेश्चन नंबर थ्री, तो ये देखो ये सामने एग्जांपल फोर, हाँ सो ये जैसे कि आकाश ये इस क्वेश्चन को देखो, एग्जांपल 11, example 11 has come in 2015 as well as 2017, ठीक है 2015 as well as 2017। अब यहाँ पे you can have a look, they have used the formula and they have equated the area of triangle to the value of the area of triangle to zero, from there they got an equation in terms of k और k को solve करके find out किया है। ठीक है, yes sir। Divyanshu, next chapter I have not decided, most probably it will be mensuration. Mensuration ka koi chapter? Thank you sir. Okay, welcome Akash. Chaliye, so I am ending the session, bye everyone. Milte hain agli class mein.